सुपौल जिले के बीरपुर स्थित एसएसपी 45वीं बटालियन कैंप में करंट लगने से 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 9 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसमें 4 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जानकारी मिल रही कि सशस्त्र सीमा बल में नियुक्त होकर सुपौल के बीरपुर स्थित एसएसपी कैंप में सभी जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इस बीच आज बड़ी घटना तब घटी जब एक टेंट को शिफ्ट करने के क्रम में कई जवान 11,000 के हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए, जिसमें जानकारी अनुसार 3 जवान की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 9 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद आनन फानन में सभी जवानों को एसएसपी के द्वारा बीरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ घायलों में 4 जवानों की गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद एसएसपी के अधिकारी इस घटना के बाबत फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार की रिपोर्ट। करने के बाद भी सीपीआर देने के बाद भी नहीं सर्वाइव किए, ईसीजी भी फ्लैट आया उन लोगों का, बाकी 4 लोगों का जो स्थिति गंभीर रहने के कारण उसको भी रेफर कर दिए हैं। अभी कितने की डेथ हुई है? 3 की। ये कहाँ से आए हुए थे सर? एसएसबी कैंप बीरपुर। क्या था प्रॉब्लम? क्या था? इलेक्ट्रिक शॉक के कारण से उन लोगों का दुर्घटना हुआ। सर का शुभ नाम? शैलेंद्र दीपक।